नहीं जड़ेगा प्री मैच्योर इजैकुलेशन का पक्का इलाज। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे दोस्तों। अगर आप डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। आपको पक्का इलाज बताऊंगी कि आपका जल्दी निकल जाता है, जल्दी जड़ जाता है, इसको कैसे रोके, पक्का इलाज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और अगर आप मेरी हर एक बात को सुन के अपने जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो बेहतर हो जाएगा आपका सेक्स लाइफ, स्पाइस अप हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सेक्स लाइफ आपको मिलेगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को दोस्तों। इस वीडियो में जो बताऊंगी गारंटी के साथ आपका इरेक्शन बेहतर हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा कि आप दो दो घंटा का दो शॉट्स कर सकते हैं दोस्तों। आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा, आपका हार्डनेस बढ़ जाएगा, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? हर एक मर्द को चाहिए होता है कि टाइमिंग बढ़ जाए, लिंग लंबा हो जाए। अगर आपका बेहतर इरेक्शन आएगा तो बेहतर टाइमिंग बढ़ेगा आपका और आपका मसल स्ट्रांग हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों हर कोई परेशान है कि उनका जल्दी जड़ जाता है, इसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन है दोस्तों। शायद आप भी बहुत सारे मेडिसिन लिए होंगे, इसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। इतना सारा मेडिसिन ले चुके हैं, डॉक्टर के पास जा चुके हैं, बता चुके हैं, फिर भी आपका मेडिसिन वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी आपके लिए एक ही सलूशन है जो कि है सर्जरी दोस्तों। सर्जरी से आपको परमानेंट पक्का इलाज हो सकता है दोस्तों। आइए बात करते हैं कितने टाइप के सर्जरीज होते हैं हमारे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को सही करने के लिए दोस्तों। एक्चुअली प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्यों हो जाता है, सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों, ये क्यों होता है। ये होने का रीज़न ये होता है कि आपका जो नसें होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हाइपर सेंसिटिविटी के कारण आपका ये निकल जाता है दोस्तों। आपका टच करने से निकल जाता है, बात करने से निकल जाता है, गर्लफ्रेंड को हेलो बोलने से निकल जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है हाइपर सेंसिटिविटी की दोस्तों। आपका नसें बहुत सेंसिटिव रहती है, जैसे मेल का और फीमेल का दोनों का रहता है। फीमेल का तो अलग ही बात होती है, उनका मन ही करता है, मज़ा आता है उनको, लेकिन मेल का प्रॉब्लम ज़्यादा है दोस्तों अगर देखा जाए। नंबर वन, फ्रेनुलोप्लास्टी सर्जरी दोस्तों। इसमें क्या होता है, फ्रेनुलम को क्या किया जाता है, आपको पता है फ्रेनुलम क्या होता है? जो आपका लिंग होती है उसकी जो आगे का वी शेप रहती है, उस वी शेप को कट करके अंदर की जो नसें है उसको जला दिया जाता है, उसको खोल दिया जाता है, ताकि क्या हो, आपका अंदर की नसें जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, आपका पूरा इसमें झाड़ू की तरह नसें रहती है आपकी यंत्र में, पेनिस में, तो उस नसें को जला दिया जाए तो क्या होता है, आपका हाइपर सेंसिटिविटी का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। ये एक माइनर सर्जरी है दोस्तों, फ्रेनुलोप्लास्टी सर्जरी दोस्तों। इसके बारे में अगर पूरा डिटेल में जानना है तो मुझे बताइएगा, मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगी आपको। इस सर्जरी के बाद आपका टाइमिंग बढ़ सकता है, हार्डनेस आ जाएगी, क्योंकि आपका हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है दोस्तों, वो परमानेंट इलाज होती है आपके लिए। नंबर टू, सर्कमसीजन दोस्तों, खतना करना। अब बात यह आएगी हिंदू मुस्लिम की, तो दोस्तों हमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना है। एज ए डॉक्टर मैं आपको बता रही हूँ जो चीज पाया गया है स्टडीज में, कि अगर आपका ये जो पार्ट होती है, जो पेनिस के ऊपर का हिस्सा होता है, उसको कट कर दिया जाता है, तो कहीं हद तक हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। और ये स्टडीज के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये आपका हेल्थ का सवाल है दोस्तों। नंबर थ्री, डॉर्सल न्यूरोक्टमी सर्जरी दोस्तों। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो यंत्र होती है उसका जो नसें होती है वो एक झाड़ू की तरह हो जाती है, यहाँ पे आके यहाँ पे जमा होता है ना। आप इसके बारे में अच्छे से रिसर्च भी कर सकते हैं, इसका इमेज भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इमेज नहीं दिखा सकती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसका क्या किया जाता है, इसके द्वारा लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट से क्या करते हैं, अंदर की नसें को जला दिया जाता है दोस्तों, और थर्मल वेव्स भी किया जाता है दोस्तों। भले ही इनका नाम अलग है,
है, लेकिन काम एक ही है दोस्तों। चाहे कोई भी सर्जरी हो, तीनों सर्जरी का काम ही एक है। तो आप कोई सा भी सर्जरी जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उस सर्जरी को आप करवा सकते हैं। परमानेंट आपको राहत मिल जाएगा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से दोस्तों, कि निकल जाता है, परेशान हो गया हूँ, बीवी के सामने जाके कर नहीं पाता हूँ, खुश नहीं है अपना जिंदगी में। तो भैया इन सब से बचने के लिए आपको परमानेंट सोल्यूशन मैं आपको बताई हूँ इस वीडियो में। अगर आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जाइए अपने जिंदगी को खुल कर जिए। अगर सर्जरी भी करवाना पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है किसी किसी का ये सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और कुछ लोगों का 100% सक्सेसफुल हो जाती है। आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर सारे टेस्ट वगैरह करवा कर देखेंगे पहले, इसके बाद आपका सारा चीज़ देखा जाएगा कि आपका सक्सेसफुल हो पाएगा, कितना रेट है सक्सेस होने का, इसके बाद आपका डॉक्टर आपका ये सर्जरी करवाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दी हूँ। इस वीडियो को देखते हुए एक लाइक ज़रूर करें और अपने पार्टनर को भी ज़रूर सेंड करें ताकि उनको भी टेंशन ना हो और आप दोनों मिलकर इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर मिलते हैं अगले एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।